अमृतसर दे विच एक ऐसा परिवार है जो पिछले तकरीबन 130 साल तो वध समय तो रावण कुंभकर्ण अते मेघना दे पुत्रे बना रहा है। इस संबंध विच गलबात करते हुए विनोद कुमार ने दसिया कि उसने दादा जी वालों तरन तारण तो इस काम की शुरुआत की गई सी। इस तो बाद उन्होंने पिता जी बनवारी लाल ने इस काम को अमृतसर विच आके जारी रखा अते उन्होंने पिता बनवारी लाल तो बाद हुण उह इस काम को अंजाम दे रहे हैं। विनोद कुमार बनवारी लाल सर साढ़ी पंजवीं छेवीं पीढ़ी इस लाइन च लगी है। हाँ जी सर मेरे दादा जी के टाइम तो काम कर रहे हैं। कितों शुरू किया सी काम और कितने साल हो गए ने? सर मेरे दादा जी ने काम तरन तारण ठाकुर द्वारा मंदिर से करते सी घट तो घट 125 तो 30 साल के करीब करीब हो चले हैं। थोड़ा अपनी फैमिली बारे दसो कि किस फैमिली तो बिलोंग करते हो तो सुन चाहे से केवट परिवार तो बिलोंग करते हो? हाँ जी सर असि सतयुग जो श्री रामचंद्र जी भगवान जी का बनवास होया सी उदो जो उन्होंने बेड़ी च पार लंघाया सी साढ़े पूर्वजों ने ही काम किया और उस टाइम भी उन्होंने कार्य च लगे जी अज भी उन्होंने कार्य च लगे। सब तो बड़ा रावण अज तक किन्ने फुट का तैयार कर चुके हो? मैं 150 फुट तक का तैयार किया। सर सानू 10 फुट तो लैके मेरे को इस टाइम 100 फुट तक का ऑर्डर है। सर साडा ढिलवां है ब्यास है और बटाला है तरन तारण है दुर्गियाना मंदिर है महाकाली मंदिर है जिहड़ा बाईपास ते पैंदा है। सब तो पुराने रावण तुसीं तैयार करदे हो ना? हाँ जी सर ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਭ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਮਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 200 ਦਾ ਮਾਸ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਤੀਹ 35 35 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੈ।